ब्लॉगिंग करते हैं। ब्लॉगिंग करते हैं सर। क्या करते हैं? ब्लॉगिंग करते हैं सर, यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं, उसी लिए तो सर थोड़ा सीन लगा। फिर से आप सबका स्वागत है मेरे इस न्यू ब्लॉग में, और ये ब्लॉग बहुत ही स्पेशल होने जा रहा है, क्योंकि इस ब्लॉग में ये बेसिकली 2-3 दिन का ट्रिप है पटना से कोलकाता का। तो इस टूर में हम आप लोगों को दिखाएंगे पटना से कोलकाता का सफ़र, और आप लोगों को एंजॉय कराएंगे, बहुत सारी ऐसे ऐसे चीज़ दिखलाने का कोशिश करेंगे जो आप लोग को अच्छा लगे। तो ठीक है, फिर मिलते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं महावीर मंदिर के पास। ये हमारे आराध्य श्री हनुमान जी का मंदिर है। यहाँ पे आप जब भी आइएगा तब आपको भीड़ देखने को मिल जाएगा, बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पे हमेशा आते रहते हैं। और ये देखिए, ये साइड में कुछ लोग अपना दुकान चला रहे हैं, बहुत सारे सामान बेच रहे हैं। यहाँ देखिए चश्मा बेचा जा रहा है, बहुत तरह का सामान बेचा जाता है यहाँ पे। और ये देखिए, ये एक म्यूज़ियम में संभाल कर रखे जाने वाला सामान है, बहुत ही पुराना। ये एक ट्रेन का पार्ट है, देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत है। और ये हम अब फाइनली पहुंच चुके हैं पटना जंक्शन, और फिर यहाँ से हम लोग का सफ़र आगे जारी होगा। और ये देखिए, ये पटना जंक्शन का एंट्री गेट है, और आगे से कुछ ऐसा दिखता है हमारा पटना जंक्शन। और ये साइड में आगे जो इसका है, ये पार्किंग के लिए है। और ये हमारा राष्ट्रध्वज दिखा दिए हैं, तो जय हिंद लिखना मत भूलिएगा कमेंट बॉक्स में। यही है आगे का व्यू, अब हम अंदर जा रहे हैं, अंदर का कुछ व्यूज़ आप लोगों को दिखाते हैं। ये देखिए, ये रहा अंदर का कुछ इंटीरियर डिज़ाइनिंग, इंटीरियर व्यूज़ देखिए अंदर से कैसा दिखता है, हॉल इसको बोल सकते हैं आप। देखिए आगे पूछताछ भी है, तो कुछ ऐसा दिखता है हॉल पटना जंक्शन का। ब्लॉगिंग करते हैं। ब्लॉगिंग करते हैं सर। क्या करते हैं? ब्लॉगिंग करते हैं सर, यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं, उसी लिए तो सर थोड़ा सीन ले रहे हैं। ये जो व्हाइट शर्ट में व्यक्ति आपको जाते हुए दिख रहे होंगे, एक ये हो गए, और इससे पहले कुछ पुलिसकर्मी हमें यहाँ पे रिकॉर्डिंग करने से रोक चुके हैं, क्योंकि इन लोगों का कहना है कि भाई देखो, आपको रिकॉर्डिंग करने से पहले स्टेशन मास्टर से परमिशन लेना पड़ेगा। तो हम इन लोगों को बोले कि सर ठीक है सर, आगे से ध्यान रखेंगे इसका। तो चलिए अभी हम पटना जंक्शन पर ही है। ये ऊपर से देखिए कुछ ऐसा दिखता है पटना जंक्शन। अच्छा, जानते हैं जब ये लोग रोके थे ना, तो बहुत ज़्यादा डर गए थे, हमको लगा कि इसे कहीं फ़ोन उन छीन ले, कहीं कुछ मतलब ये ना कर दे। तो अभी फ़िलहाल ट्रेन आ चुका है मेरा, अब जा रहे हैं, ट्रेन में बैठेंगे और फिर नेक्स्ट स्टॉपेज है आरा, फिर वहाँ से ट्रैवल करेंगे। हम पहुँच चुके हैं आरा, और यहाँ से 1 घंटा बाद फिर ट्रेन खुलेगी, तो फिर 1 घंटा के बाद यहाँ से निकला जाएगा आगे। तो अभी अभी हम आप लोगों को आरा जंक्शन थोड़ा दिखाने का कोशिश करते हैं, ठीक है? तो ये रहा आरा जंक्शन। आरा जंक्शन कुछ ऐसा दिखता है, देखिए अभी एक ट्रेन भी आई है साइड में, आपको देखने को मिलेगा। बहुत ज़ोर से भूख लगा हुआ है, उसी समय से सोच रहे हैं कुछ खाने खाएं, लेकिन स्टेशन पे ज़्यादा कुछ नहीं होता है खाने के लिए, तो चलिए थोड़ा बहुत कुछ खा पी लेते हैं। तो यही थोड़ा बहुत खाए हैं, पिए हैं, जो भी है। तो अब चलते हैं ट्रेन के अंदर, और ये देखिए ट्रेन के अंदर से बाहर का कुछ नज़ारा, क्या सच में शानदार दिखता है भाई। जब ये सब देखते हैं ना, ये खेती वगैरह सब, इतना हरियाली, सही में बहुत मज़ा आता है। और ये देखिए, इधर अभी धान का खेती अभी स्टार्ट ही हुआ है, हमारे इधर धान का अब कटाई होगा, और इधर अभी रोपाई शुरू हुआ है। ये सही में बहुत मतलब थोड़ा ये सब हुआ क्लाइमेट के कारण है शायद थोड़ा बहुत। तो अभी हम फिलहाल पहुँचने वाले हैं सासाराम जंक्शन, तो चलिए बाकी बात वहीं किया जाएगा। तो पीछे आपको सासाराम जंक्शन दिख रहा होगा, तो अभी हम फिलहाल सासाराम जंक्शन पे आ चुके हैं, और अब यहाँ से बस से जाना है, तो अब चल रहे हैं बस पकड़ने। उससे पहले बहुत ज़ोर से भूख लग गया है, तो चलते हैं, खोजते हैं कोई होटल वगैरह या कोई ढाबा जो भी मिल जाए, वहाँ पर चल के पहले खाना खाया जाएगा, फिर वहाँ से कोलकाता के लिए चला जाएगा। ये सासाराम पहुंचने के बाद उसी समय से यहाँ पे होटल वगैरह खोज रहे हैं, कुछ नाश्ता का भी दुकान खोज रहे हैं, लेकिन नहीं मिल रहा है। कुछ लोगों से पूछे भी हैं कि भैया बताइए आसपास में कहीं पे कोई दुकान वगैरह है क्या नाश्ता वगैरह का, या फिर होटल वगैरह का। तो वो लोग भी बोले हैं कि आगे जाइए, वहाँ पर देखिए, वहाँ पर होगा, यहाँ पर आए हैं तो कुछ है ही नहीं। तो चलते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, और आगे जा के देखते हैं मिलता है कि नहीं मिलता है।
ना होटल मिला ना ढाबा मिला, फिलहाल एक स्वीट्स का दुकान मिला है तो कुछ मिठाई खा रहे हैं। और इसके बगल में एक एग रोल का ठेला लगा हुआ है, तो यहाँ पे एग रोल भी मेरा बनना स्टार्ट हो गया हुआ है, डबल एक का एग रोल। यहाँ पे देख सकते हैं कैसे बना रहा है एकदम जल्दी जल्दी एकदम फास्ट में, क्योंकि हम इनको बोले हैं कि भैया थोड़ा जल्दी जल्दी बनाइए क्योंकि बहुत ज़ोर से भूख लगा हुआ है। तो ये अपना एकदम चमत्कार दिखा रहे हैं। अब हमारा डबल अंडा का एग रोल बन के तैयार है, अब इसे टेस्ट करने जा रहे हैं सासाराम का ये डबल एग का रोल, और टेस्ट करके बताते हैं कि आप लोगों को कैसा लगा। दम है सासाराम के इस एग रोल में। अगर आप लोग भी कभी यहाँ पे आते हैं तो ओम स्वीट्स के बगल में इनका यहाँ पे ठेला लगा रहता है, आप लोग यहाँ पे आइए और बेझिझक एग रोल, चाउमीन, जो भी मन है इनको बोलिए। ये बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह के आइटम्स बनाते हैं, यहाँ पे आइए और टेस्ट कीजिए, बहुत अच्छा बनाते हैं, बहुत मज़ा आया खा के और रेट भी बहुत कम। अब जाके कुछ राहत मिला है, कुछ खाना वगैरह खाए हैं, पानी वानी पिए हैं, तो अब जाके थोड़ा अच्छा लग रहा है। और अभी फ़िलहाल बस का इंतज़ार है, और जब बस आ जाएगी तो फिर हम लोग चलेंगे सीधे कोलकाता और फिर वहाँ पे मिलते हैं। तो अब हो चुका है सुबह से रात, हम फिलहाल अभी बस में हैं और अब आप लोगों को दिखाएंगे रात से सुबह। देखिए जब रात से सुबह होता है तो कुछ ऐसा दिखता है, सच में भाई बहुत मज़ा आता है। और आगे आपको पहाड़ दिख रहा होगा क्योंकि हम हैं अभी झारखंड में और अब चलते हैं तो अभी हम पहुँच चुके हैं पश्चिम बंगाल और फिर यहाँ से अब हम लोग जाएंगे होटल सिटी रेसिडेंसी और वहाँ पे नाश्ता करके ब्रेकफास्ट करके थोड़ा और फिर उसके बाद निकलेंगे कोलकाता की ओर। तो चलिए फिर आप लोग को मिलेंगे अब सीधे होटल सिटी रेसिडेंसी में। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं होटल सिटी रेसिडेंसी और अब चलिए अब आप लोग को दिखाते हैं कि क्या है ब्रेकफास्ट में और कुछ होटल का व्यूज़ भी आप लोग को दिखाएँगे। ये देखिए ये है सूजी सीरा। अच्छा, और ये आलू मटर की सब्ज़ी और ये प्लेन पूरी और ये सांभर और ये इडली। तो ये है ब्रेकफास्ट का कंप्लीट थाली। तो अब ब्रेकफास्ट के बाद अब हम लोग चेकआउट कर रहे हैं होटल सिटी रेसिडेंसी से। तो चलिए अब इस व्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं क्योंकि ये व्लॉग बहुत ही लंबा हो रहा है। अब आप लोग से मिलेंगे सीधे सेकेंड पार्ट में, तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।